ये जो दोस्तों ईयरबड्स का क्रेज है ना, वो डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके ये कह रहे थे कि हमें बेस्ट ईयरबड्स पर एक वीडियो दे दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट ईयरबड्स बता रहा हूं जो कि 1500 रुपए के नीचे आते हो। और बिलीव मी दोस्तों, ये वीडियो में बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। इट मींस जो भी इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं बेस्ट ईयरबड्स, वो सारे के सारे अच्छे हैं 1500 रुपए की प्राइस में। तो अगर आपको भी 1500 रुपए की प्राइस में एक बढ़िया सा ईयरबड चाहिए, फिर तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बासवीट चैनल पे। तो दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर ईयरबड्स आते हैं, ये बोट कंपनी की तरफ से आते हैं। इसका नाम है दोस्तों बोट ईयर ड्रॉप्स 101। अभी मैं दोस्तों इसकी स्पेक्स आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं वो इसके ड्राइवर्स। 13 mm के इसमें आपको ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा थंपिंग वाला साउंड देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। टच कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ऐसे कि आप म्यूजिक को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, कॉल को पिकअप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो ईयर टिप्स है ना, थोड़े से बड़े हैं, जब कानों में लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा आता है तो इजी तरीके से फिट भी हो जाते हैं। केस भी काफी ज्यादा अच्छा है, 320 mAh की बैटरी है। और ये दोस्तों आपको बता दूं, केस के साथ 15 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। बिना केस के साथ आप इनको 3-3.5 घंटे तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, इसकी वजह से आप इनको जल्दी चार्ज भी कर पाएंगे। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये ब्लैक कलर में आते हैं, दिखने को भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। प्राइस की बात करूं तो 1499, आपको पूरे 1500 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बढ़िया से ईयरबड्स हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका बजट 1500 रुपए, आपको कोई बोट का चाहिए, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो दूसरे नंबर पर ईयरबड्स आते हैं, इनका नाम है दोस्तों ट्रूकी बड्स S1। यहाँ पे आपको 10 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, 17 ग्राम इनका वेट है। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.0 इसमें भी देखने को मिलता है। जब आप इनको ऑन करते हैं, केस में डाल के रखते हैं तो ऑन होते हैं तो लाइट जलती है। टाइप सी पोर्ट आपको इनमें भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टच कंट्रोल, वही सेम पीछे वाला, म्यूजिक को प्ले करना, पॉज करना, कॉल को पिकअप करना, वो सारा इसमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, 72 आवर्स का दोस्तों केस का बैटरी लाइफ है, क्योंकि इसमें आपको 500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर आप इनको केस से बाहर निकाल के यूज कर तो तकरीबन दोस्तों ये 8-10 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप ऐसे बंदे हैं जिनको थोड़े देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी बैकअप अच्छा हो, तो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि बैटरी लाइफ दोस्तों बिना केस के साथ 8-10 घंटे का दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। और प्राइस दोस्तों 1499। डेफिनेटली आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ऐसे चाहिए जिनकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी मैं आपको ईयरबड्स बता रहा हूं सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, यहां से भी जाकर के आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड नंबर पर ईयरबड्स आते हैं, पीट्रॉन कंपनी की तरफ से आते हैं। इनका नाम है दोस्तों पीट्रॉन बासबड्स अल्टिमा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो ईयरबड्स है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं, मतलब आवाज आवाज आती है तो कोई कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा बात करूं इसके स्पेक्स के बारे में, तो कुछ उसी टाइप के आपको डिजाइन देखने को मिल जाते हैं जैसे पिछले वाले ईयरबड्स में देखने को मिली है, थोड़े से लंबे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी आपको 10 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, 400 mAh की बैटरी है दोस्तों, 15 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है केस के साथ। बिना केस के आप इस्तेमाल करेंगे तो 3-3.5 घंटे आप आसानी के साथ इनको यूज कर पाएंगे। और वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 44 ग्राम इसका वेट, मतलब जब आप अपने कानों में इनको लगा लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने लगाए हुए, क्योंकि 44 ग्राम बहुत ज्यादा नहीं होता है। डेफिनेटली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और IPX4 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। वैसे ये नहीं, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं सभी IPX4 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, तो स्वेट वेट प्रूफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्राइस दोस्तों इसकी भी आपको 1500 रुपए देखने को मिल जाती है। अभी दोस्तों ये मैंने 3 बताए थे, ये ऐसे ईयरबड्स है तो थोड़े से बड़े आते हैं। अभी मैं आपको जो 2 बताने वाला हूँ ये ऐसे हैं जो बिल्कुल गोल आते हैं, जो आपके कानों में बिल्कुल अंदर तक फिट हो जाते हैं। अभी आप देख लीजिए आपको दोनों में से कौन सा चाहिए। तो ये जो 4th नंबर का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गोल वाला है, याद है बोल्ट कंपनी की तरफ से। इसका नाम है बोल्ट ऑडियो एयरबड्स जिग बड्स।
इसकी प्राइस भी दोस्तों 1499 रुपए है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वीडियो ही 1500 रुपए की है, तो इतनी सारी प्राइस है। यहाँ पे मैं बात करूं इसके और भी स्पेक्स को लेकर, 10mm के इसमें भी आपको ड्राइवर देखने को मिल जाता है, 10 मीटर रेंज आपको ये सपोर्ट करता है, इसके अलावा ब्लूटूथ 5.0 इसमें भी देखने को मिलता है, और टच कंट्रोल वो सारे सब में देखने को मिलता है, वो इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। 500mAh की बैटरी है, केस के साथ 18 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है, बिना केस के साथ आप इनको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो तकरीबन 4.5 घंटे आपका ये आसानी के साथ निकाल के दे दे। IPX5 वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब जो भी मैंने आपको भी बताए थे वो IPX4 थे, ये IPX5 है, इकलौता है, मतलब पानी भी चला जाता है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो मुझे इसकी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है वो ये है, इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। 500mAh की बैटरी है, इसमें जो आपको वेट मिलता है वो 150 ग्राम मिलता है, मतलब 150 ग्राम थोड़ा सा मेरे हिसाब से हैवी हो जाएगा ईयरबड्स को लेकर के। और मैं बात करूं तो ये भी आपको टाइप सी पोर्ट के साथ देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आप जल्दी चार्ज कर पाएंगे केस को, कंप्लीट अच्छे देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली अगर आप बोल्ट के कोई लेना चाहते हैं ईयरबड्स तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। चले दोस्तों बताते हैं आपको अपनी लिस्ट का लास्ट ईयरबड्स 5th नंबर पर, जिसका नाम है दोस्तों डीजो। अब डीजो क्या है, डीजो बाई रियलमी, जी हां फ्रेंड्स, रियलमी का ईयरबड्स है। अब इसमें आपको 10mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिल जाता है, टच कंट्रोल इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, और वही सेम मैंने आपको बताया राउंड वाला टिप्स है जो आपके कानों में आसानी के साथ फिट हो जाएगा। IPX4 सर्टिफिकेशन इसका भी है दोस्तों। अभी दोस्तों इनको कनेक्ट करने के लिए रियलमी का खुद का एक ऐप है, उनसे आप इनको आसानी के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, वही अच्छी बात है दोस्तों। अभी मैं आपको इनका बैटरी बैकअप बताऊं तो 20 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है, लेकिन मुझे इस ईयरबड्स में एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये ENC के साथ आते हैं। ENC मतलब बोले तो एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन, मतलब जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हो तो एनवायरमेंट की आवाज आप समझ सकते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर आने वाली है आपको बिल्कुल आवाज, जब आप कॉल कर रहे हो गाने सुन रहे हो कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं आने वाली है। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है, डेफिनेटली अगर आपको गोल वाले और वो भी रियलमी के कोई चाहिए तो रियलमी का ये डीजो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में डीजो बजा देगा। चले दोस्तों ये थे वो 5 कमाल धमाल के ईयरबड्स जो कि इस टाइम पर 1500 रुपए की प्राइस में आते हैं, और अगर आप इनमें से कोई खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे पूरे वसूल होने वाले हैं। वैसे आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना जिनको ईयरबड्स चाहिए और वो भी 1500 रुपए की प्राइस में, डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि हम हमारे चैनल पर क्वालिटी वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।